कितना बड़ा डायमंड है। एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज इसे छुओ मत। कोई हिलेगा नहीं, ये एक स्टिक अप है। ओह हाँ, ये पहली नजर का प्यार है बेबी। डायमंड्स को बैग में डालो, जल्दी करो। ओह कितना हॉट है, हम बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना? खैर यहाँ आओ मेरे प्यार। हे मेरे रास्ते से हट जाओ, कुछ भी मजेदार करने के बारे में सोचना भी मत। ओह एक खाली बैग, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेल का समय हो गया है, बाद में मिलते हैं लेडीज। अब जब वो घर वापस आ गया है तो प्रांकर को सरप्राइज मिलेगा। पिव, ये बैग भारी है। हाँ ये कैसा मजाक है। ओह तुम जो भी हो, अब तुम इसके लिए तैयार है ना। पीका बू, पहचाना? आ, मदद करो। तुम कहाँ जा रहे हो स्वीटी? पिव, लगता है कि मैं बच गया, अब बेहतर है। ए, खोलो, ये सही नहीं है। एक मिनट रुको, मैं अपने क्रश की जगह पर हूँ। ये सब सामान देखो, वो जरूर एक आर्टिस्ट है। ओह, मुझे भी इस तरह का पोस्टर चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर? ओह हाँ, मैंने अभी अभी इसे कहीं आसपास ही देखा था। हाँ, चलो ब्रश करें। और वो ये अजीब चेस्ट यहाँ क्या कर रही है? ये एक हार्डी थीम ब्यूटी बॉक्स है। हमारी बचकानी क्यारी हार्डी विन जितनी सुंदर बनना चाहती है। सबसे पहले मुझे पिंपल्स हटाने होंगे, कुछ ऐसे। वाह क्या ये मैंने किया, गंदा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी तक बहुत अच्छा है। आउच, ये वाला बहुत दर्द कर रहा है। शायद हमारे बॉक्स में कुछ है जो मदद कर सकता है। एक पोर वैक्यूम, इससे दर्द नहीं होगा। वाह ये सच में काम कर गया। यहाँ तक कि कैरी यहाँ भी अपने क्लासमेट और उनकी बचकानी हरकतों से नहीं बच सकती। हाँ मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में सही थे। वाह फ्रैंकर के पास यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं शेव कर सकती हूँ? एक एक्स, ये काम आएगा। स्मूथ शेव के लिए थोड़ा फोम लगाते हैं। बाय बाय मूछो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी। ठीक है अभी नहीं तो कभी नहीं। ओह हाँ आखिरकार, हाँ ये तो और भी थिक हो गई। ठीक है अब मुझे निराश मत करना ब्यूटी बॉक्स। आओ, आओ मेरी आंखें। खैर उसकी उम्मीद नहीं थी, क्या आप इसे देखोगे? ओह ओह वो कितनी प्यारी है। प्रैंकर प्रैंकर मुझे अपना जवाब दो। फिर यार मैं थक गई हूँ। हाँ ये ठीक नहीं है। हे भगवान मैं अपने पैरों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ फ्रैंकर को ये देख के अच्छा नहीं लगेगा। क्लिपर्स यहाँ काम नहीं आएंगे, मुझे इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। कुछ मैं ये कर सकती हूँ, चलो करे काओ बंगा। अब देखते हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं एक बढ़िया फुटबाथ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो थोड़ा बाथ ऑयल डालते हैं, वैसे बहुत सारा डालते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। आओ दर्द हो रही है। वूप्सी, ये बिल्कुल भी बाथ ऑयल नहीं था। अब मैं क्या करूं? मुझे उम्मीद है कि ये क्रीम मदद कर सकती है। ओह हाँ मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बेहतर है, लेकिन मेरे सोल्स पर अभी भी कुछ काम करना बाकी है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो ब्यूटी बॉक्स, तुम बढ़िया मदद करते हो। ला 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 ला। ओह रेड नेल पॉलिश, बहुत बढ़िया। ये हार्डी का मन पसंद कलर है। और वोइला, बहुत आसान था। वाह ये कैसी स्मेल है। अच्छू मैंने सच में गंदा कर दिया। इतनी गंदी लड़की प्रांकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ईव, विनिंग स्माइल के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। इसका मतलब है कि मुझे अभी से इस पर काम करना शुरू करना होगा। यहाँ कुछ तो काम की चीज होगी। वो ये प्रांकर का सीक्रेट बाथरूम है। हाँ ये उसका अपना टूथब्रश है। ईव, ठीक है इसके बारे में अभी के लिए भूल जाती हूँ। वो प्रांकर का स्पेशल माउथ वॉश, बुरा नहीं है। क्या
प्लैटिनम टीथ ग्रिल्स, ये मेरे मतलब का नहीं है। ओह, मैं भूल ही गई थी, मेरे पास अभी भी ब्यूटी बॉक्स है। एक ओरल इरिगेटर, मुझे यही चाहिए था। चलो सफाई शुरू करें। बहुत बढ़िया। समझाने का समय नहीं है, हमें अभी काम करना होगा। ए, मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, कोई मेरी मदद करो। वाह, मुझे फिर से दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो भी हो। हे कैरी, मुझे बताओ तुम इसका क्या करोगी? क्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। असली हार्डी इन आईब्रोज के साथ बहुत बुरी दिखेगी। आईब्रोज? ओह, तुम सही हो, मैंने बहुत समय से इनका ख्याल नहीं रखा। ठीक है, बस एक मिनट दो। चलो ट्रीटमेंट शुरू करें। बिल्कुल सही। ओह, स्नैक। अभी के लिए यही रहो स्वीटी। ओह, कितना अच्छा स्टेंसिल है, मैंने पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ओह हाँ, अब मैं उसे जरूर पसंद आऊंगी। अब सबसे मुश्किल पार्ट, मुझे हार्डी की बढ़िया कॉपी बनना होगा। मैं शुरू कैसे करूं? ओह, जाहिर है मेकअप के साथ ही। हमें पहले इस स्पंज को मॉइस्ट करना होगा। हे, मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। एकदम वाइट स्किन हार्डी की सिग्नेचर लुक है। बढ़िया लग रही हूँ। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैरी ऐसा करने में कामयाब रही। दूसरा स्टेप, हार्डी का रेड और ब्लू आई शेडो। एक अच्छे थिक ब्रश का इस्तेमाल करो और इसे अच्छी तरह लगाओ, ऐसे। अभी भी कुछ कमी है। ओह हाँ, दिल। चलो भी, चलो भी। मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी होगी। मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ प्रांकर। आउच, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओह, तो इसी तरह हार्डी ने अच्छी दिखने के लिए लीकी मेकअप किया। आह, मेरा प्यार। हाँ, हमारे प्यार की निशानी कहाँ है? मैं इस परेशानी को रेड लिपस्टिक के साथ खत्म कर दूंगी। तुम मेरी किस से कभी छुप नहीं पाओगे। हो गया, ये हुई ना बात। पुडिन, ओह, खैर, क्या मैं उसकी तरह लग रही हूँ? हाँ, मैं बालों के बारे में तो भूल ही गई थी। मेरे पास एक आइडिया है, ये डाई एकदम सही है। मुझे बस बराबर हिस्सा लेना है। चलो देखते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मिक्स करते हैं। बाय बाय पुरानी कैरी। बाय बाय मेरी पुरानी बोरिंग लाइफ, बाद में मिलते हैं। हार्डी वीन को हेलो कहो। ओह, मैं भी क्या कर रही हूँ, हम सबसे जरूरी पार्ट तो भूल ही गए थे, हार्डी की पिगटेल्स। हाय प्रांकर। नहीं, वाह कितनी बढ़िया गन्स है। नहीं, इनसे काम नहीं चलेगा। हे भगवान, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? यहाँ आओ मेरी जान, और पोज एक और बार। आउच, आओ, दर्द हुआ, लेकिन ये क्या है? एक और खुफिया चेस्ट। हे भगवान, ओह प्रांकर बहुत हैरान होने वाला है। सपने सच होते हैं, नर्डी कैरी एकदम बदल गई है। ओह, मुझे हील्स में चलना सीखना होगा। ओह, कोई आ रहा है। हे बुडेन, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक बैंक लूटा है। नहीं नहीं नहीं, तुम इससे बाहर ही रहो। चलो भी, तुम्हें किस चीज का डर है? उसका। ठीक है, मैं उससे छुटकारा पा लूंगी। हे हे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि अब दो हार्डी से निपटना होगा? हार्डी विन और प्रैंकर वापस आ गए हैं। स्टोर में अपने आप चोरी नहीं होगी। पैसे और गोल्ड अभी। आपको इस कपल से उलझना नहीं चाहिए, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। सिर्फ एक छोटा सरप्राइज ही बाकी है। प्रैंकर बहुत खुश होने वाला है। यहाँ और क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ है। पुडिन, तुमने सही समझा, तुम डैडी बनने वाले हो। ये अच्छी खबर है, इस फैमिली में एक और सुपर विलेन आने वाला है। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? क्लैप और चीयर करो।
चलो हनी, तुम थक गई होगी। हार्डीविन का पेट बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, पर प्रेग्नेंट मूड स्विंग्स बहुत सीरियस होते हैं। हाथ हटाओ प्रांकर, तुम बेबी को परेशान कर रही हो। हनी, क्या बात है? मैंने बहुत सह लिया, मैं जा रही हूँ। यहाँ फैमिली फाइट हो रही है, पर प्रांकर को ये सब संभालना पड़ेगा। हे डॉक्टर, हमारी अपॉइंटमेंट है। ये चेयर बहुत अनकंफर्टेबल है, काम पर लग जाओ डॉक्टर। हाथ हटाओ। ओह नहीं, डॉक्टर फंस चुका है, ये केस बहुत बुरा है, डैडी को बीच में आना होगा। हार्डी, ध्यान से सुनो, हमें अल्ट्रासाउंड कराना है अभी, तो तैयार हो जाओ, पर ये आखिरी बार है, डॉक्टर सब संभाल लेंगे जब तक बेबी नहीं दिख जाता। हार्डी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बेबी को अल्ट्रासाउंड की आदत नहीं है, उसे तुम्हारा गुस्सा मिला है प्रांकर। हॉस्पिटल में और कोई सुपर विलन नहीं। होने वाली मॉम की नींद कच्ची होती है, हार्डी को परेशान नहीं करना सबसे बड़ी चीज है। मुझे यही चाहिए। हनी, अपना पैर हटाओ और गुड नाइट, पर आज अच्छी नींद नहीं मिलेगी। हार्डी विन के सामने उसका फेवरेट दुश्मन है, बस थोड़ा और बैट बॉय अपने सारे अच्छे कर्म याद कर लेगा। ओप्स, मेरी गलती है, ये बैट बॉय नहीं है और ये अभी बहुत सारी परेशानियों में है, पर गुदगुदी हमेशा काम आती है। पर सपना अभी भी बाकी है, तुम भाग नहीं सकते बैट बॉय। ये लो, वहाँ कौन है? ये साफ है कि हार्डी फिर किसी से लड़ रही है, अब ये कोई मजाक नहीं है, इसे मुझे दो और वापस बेड पर चलो। अब ये नींद में नहीं चलेगी। क्या सुबह हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग प्रांकर, मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? जो भी हो, खुश हो जाओ प्रांकर, इस सुबह को देखो। जैसा तुम कहो हनी। ये बेबी के क्रिप के बारे में सोचने का समय है, ये बहुत आरामदायक होगा। प्रांकर, आ गया, देखो ये बेबी का क्रिप है और हम इसे वहाँ लगाने वाले हैं। डैडी के पास जिम्मेदारी वाला काम है, उसे जगह साफ करनी है, सारा फालतू सामान बाहर निकालो। पर हमारे यहाँ एक गैर कानूनी इंसान है, यहाँ कैसे आए? ओह क्या बदबू है, इस इंसान को यहाँ से निकाल देना चाहिए। हनी, मेहमानों की इज्जत ऐसे करते हैं? ये काफी मामूली है। क्या आप थोड़ी चाय पियेंगे सर, और इसे अपना ही घर समझो। दूसरी तरफ प्रांकर को टी पार्टी पर नहीं बुलाया और उसे अभी भी सफाई करनी है, और हारी मेहमानों का ख्याल अच्छे से रखती है, उसने उसे घर घुमाने का सोचा है। ये ठीक नहीं है हार्डी, ये बेघर इंसान एक बढ़िया मैटरनल केयर ट्रेनर है। रैटल हैट, ये बिल्कुल बेबी की तरह है। डैडी का काम खत्म। बहुत अच्छे बेबी, जल्दी करो, देखो तुम्हारा नया क्रिब। शुक्रिया मॉमी। हार्डी, प्रांकर रिहर्सल के बीच में मत आओ। सुपर विलन को हमेशा शेप में रहना चाहिए, और हार्डी योगा कर रही है, सबसे जरूरी मन की शांति ढूंढनी है। ओह लगता है ये शुरू हो गया है। सुपर विलन के लिए केओस एनर्जी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये अच्छी बात है कि प्रांकर हमेशा हार्डी के साथ होता है। हनी, ये तुम सारी रात करोगी है ना? No. पर प्रांकर बड़ी मुसीबत में है, दुश्मन जीत रहा है, बचाओ।
ये सबसे बुरी टाइमिंग है, पर क्योंकि प्रैंकर को मेरी जरूरत है, मैं आ रही हूँ। हाँ, केओस का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इसे जाने दो। प्रॉब्लम खत्म। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रैंकर, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो। आज रात डिनर में गुडीज है, आराम से खाओ डियर। स्वादिष्ट है, हार्डी में अच्छा खाना बनाने का टैलेंट है। ये रही तुम्हारी चाय, ये क्या है प्रैंकर? हार्डी, ये तुमने ही किया है, मुझसे झूठ मत बोलो। बस बहुत हुआ, तुम अपनी मॉम के साथ ही रहोगे। प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स बहुत बुरे होते हैं। हार्डी इतनी नाराज क्यों हो गई? ये लो प्रैंकर, इस बारे में सोचना भी मत हार्डी, मैं साबित करने वाला हूँ हम में से सही कौन है। प्रैंकर के दोनों गालों पर किस है और वो एक जैसे है। प्रेग्नेंट हार्डी विन बहुत भुलक्कड़ बन गई है। तुम्हारी चाय डार्लिंग, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। स्कूटर बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन है, पर सुपर विलेन के पास ये नहीं है। कितनी शर्म की बात है। प्रैंकर, मुझे ये चाहिए प्लीज। अगर तुम्हारे चाहने वाले को कुछ चाहिए तो आपको वो देना होगा। ये तुम्हारे लिए डार्लिंग। प्रैंकर, इसके पास बढ़िया हुडी है, ये भी मुझे चाहिए। लड़के, अपने कपड़े उतारो और एक शब्द मत बोलना। आप सुपर विलन्स को ना कैसे कह सकते हो, उसका कहां मानना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए हनी। शुक्रिया प्रैंकर, क्या ये मुझे सूट कर रहा है? बिल्कुल। क्या हम घर चलें? पर हार्डी की एक और विश है, चिप्स, वो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जरा सुनो, फिर से नहीं, तुम्हें प्रेग्नेंट हार्डी को उदास नहीं करना चाहिए। ये लो, मुझे शुक्रिया मत कहना, चुराए हुए चिप्स बहुत टेस्टी होते हैं। प्रैंकर, इस आदमी को पैंट्स की क्या जरूरत है? ये लेडी यहाँ क्या कर रही है? एडम, तुम ठीक हो? यहाँ क्या हुआ है? उनके भी बेबी होने वाला है, ये कितनी अच्छी बात है। स्कूटर और चिप्स उनके काम आएंगे। शायद ये आपका है। मॉम्स हमेशा एक दूसरे को समझती है और ये दोस्ती हमेशा रहेगी। एडम, तुम कितने बुरे हो, इसे वापस दो। और ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। शुक्रिया गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो। आप प्रेग्नेंट वुमेन को कभी नहीं समझ सकते, कम से कम पैंट तो पहन लो दोस्त। आज की रात मूवी की रात है और पॉपकॉर्न के साथ फेवरेट टीवी शो और मजेदार हो जाता है, पर आप सोडा नहीं भूल सकते। ओह, मुझे जाना होगा। हार्डी, मैं एक मिनट में आता हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन को पहले जाने दो। पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, थोड़ी ज्यादा देर तक। कितनी देर? मैं आ गई प्रैंकर। ओह नहीं, मुझे वापस जाना होगा, मैं अभी आती हूँ। अब सहा नहीं जाता और प्रैंकर के पास एक प्लान तैयार है। प्रॉब्लम खत्म। हार्डी मूवी देखने के लिए फिर तैयार है। अगर ये थोड़ा सोडा पी लेती। रुको, तुम सोडा नहीं पी सकती, ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। प्रैंकर इतना होशियार कब से हो गया? बाल बाल बचे। हार्डी रो रही है, उसे कुछ चाहिए पर उसे पता नहीं है वो क्या है। आइसक्रीम कैसी रहेगी? बहुत मीठा है, नहीं चाहिए प्रैंकर। पर कोई प्रेग्नेंट लेडी प्लांट को ना नहीं कहेगी। हनी, ये तुम्हारे लिए। कितनी बकवास खुशबू है। हार्डी को टॉय चाहिए। ये बेकार है। प्रैंकर के पास कोई आइडिया नहीं है, पर मदद आ रही है। हे दोस्त, तुम उदास क्यों हो? पिज्जा कैसा रहेगा?
निकलो यहाँ से, पर मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तुम मेरे हीरो हो। ये मजेदार था और अब मुझे फिर रोना आ रहा है, तो ये बात है। हार्डी इस आदमी से खुश हो गई और फिर रोने लगी। माफ करना बच्चे, मैं ये अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ। थोड़े पैसे कमाना चाहते हो बेबी, तुम्हें मेरे बैट की जरूरत है, जैसा तुम कहो हनी। और परफॉर्मेंस शुरू हो गई। ये आपके लिए, मजे करो। पिज्जा, कितना बढ़िया आइडिया है। शायद हार्डी को ये पसंद आए, उसका मूड पहले ही ठीक हो गया है। पता लगा कि ये आइसक्रीम बहुत बहुत अच्छी है। और आज रात चोरी होने वाली है, कोई मदद नहीं मिलेगी, ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। जल्द ही सुपर विलन्स अमीर बन जाएंगे। यहाँ बहुत सारे पैसे हैं। शोर मचाना बंद करोगे बच्चे, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पकड़ लिया, ये पुलिस है, बुरे लोग बच नहीं सकते। वो हैंडकफ्स नहीं पहन सकते, पर हार्डी के पास एक बढ़िया आइडिया है। ओह, मुझे हॉस्पिटल जाना है। घबराइए मत मैम, जेल कैंसिल हो गई, हमें मैटरनिटी हॉस्पिटल जाना है। हनी, ये बढ़िया आइडिया है, तुम सबसे अच्छी एक्ट्रेस हो, थोड़ी और तेज नहीं चला सकते, बेबी जन्म लेने वाला है। ये हम पहुंच गए, पर पुलिस को जरूरी काम है, पेरेंट्स यहाँ से संभाल लेंगे। हुर्रे, खतरा टल गया, उन्होंने पुलिस को बुद्धू बना दिया, अब वो घर जा सकते हैं। रुको, लगता है ये शुरू होने वाला है। असलियत में ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल पास में ही है। हार्डी, सब ठीक हो जाएगा, तुम कर सकती हो। और डैडी पहले ही घबराए हुए है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। मम्मी आ गई, प्रैंकर, हमारे बेटे से मिलो। बिल्कुल नहीं, ये कैसा धोखा है। शांत हो जाओ बेबी, ये मजाक था। अब हमारे बेबी को देखो, और ये सुपर विलन को भी रुला सकता है। उम्मीद है ये कुछ गीला ना कर दे। फैमिली तैयार है, अब हम घर जा सकते हैं। बेबी पैदा हो रहा है, मॉम इंतजार नहीं कर सकती। मिस सोफी, बस थोड़ी देर और, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा ध्यान मत भटकाओ। मामला बहुत गंभीर है, मेकअप भी उतर चुका है, पर सोफी ने कर दिखाया। अपने बेबी से मिलो, इधर आओ हनी, तुम हीरो बनोगे। कैसे हो बच्चे? आउच, जोर से लगी। हनी, तुम बहुत परेशान करते हो, क्या तुम्हें प्रैंकर नाम पसंद है? और एलेक्स की बेटी होने वाली है, कितना मजेदार पल है। मिस्टर एलेक्स, हम आपका वेट कर रहे थे, अंदर आओ। बस बेबीज को उठा मत देना, कितने प्यारे क्रिएचर्स हैं, उन्हें प्यार करने वाले पेरेंट्स की बहुत जरूरत है। मिस एनी, वहाँ कौन है? नहीं नहीं, तुम्हें इस बेबी की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। क्रेडल डरावना लग रहा है, पर एलेक्स इतनी आसानी से नहीं डरेगा। हेलो छोटी लड़की, मैं तुम्हारा डैडी बनने वाला हूँ। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। सब ठीक हो जाएगा मिसेस एनी, मैं हार्डी का ध्यान रखूंगा। ओह पेरेंट्स, वो कभी नहीं सुनते। आज प्यारी हार्डी का बर्थडे है और डैडी ने सबसे अच्छा प्रेजेंट बनाया है। हनी, ये तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वाह, बढ़िया, ये बैट अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओह, मैं भूल गया था, मैं अभी आया। हार्डी अपने बैट से दुनिया पर राज करेगी, पर पहले चलो कमरा साफ करें। इस इंटीरियर को थोड़े क्लटर की ही जरूरत है। हार्डी, ये लो तुम्हारा केक। यहाँ क्या हो रहा है? डैडी बस एक मिनट के लिए गए थे और शानदार कमरा विलन के लेयर में बदल गया। डैडी, वो हार्डी, तुमने मुझे डरा दिया, क्या ये मेरा केक है? बिल्कुल हनी, हैप्पी बर्थडे, ये केक बहुत बढ़िया है, हम इसे ठीक कर देंगे। और प्रैंकर बहुत फुर्तीला है, आप उसे नहीं पकड़ सकते। मॉम, जल्दी चलो भी। हम रुक क्यों गए? मॉम को थोड़ा आराम करना है,
और फिर आगे जाएंगे। मॉम, क्या मैं ये ले सकता हूँ? मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, ये स्कूटर शानदार है। मुझे तुम पर भरोसा है प्रांकर, पर स्कूटर बच्चों के लिए है। एक कार, प्रांकर को यही चाहिए। ये ले स्वीट हार्ट। बाय मॉम, मैं जल्दी में हूँ। अब प्रांकर को कोई नहीं रोक सकता, उसे जो चाहिए था उसे मिल गया। बस प्रांकर का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, उसका टैलेंट कोई नहीं समझता। प्रांकर क्लाउन बनना चाहता है। तुम्हें स्टेज पर किसने बुलाया? ठीक है, ऑडियंस खुश नहीं है, पर प्रांकर अब सबको खुश कर देगा। ये ट्रिक हमेशा काम आती है। तालियां। बिल्कुल नहीं, बोरिंग। लड़कियों, दिल थाम कर बैठ जाओ, वो अपने आप को समझता क्या है। चलो चले घर जाओ लूजर। हे दोस्तों, क्या हुआ? जिंदगी बहुत बेकार है, क्लाउन्स को कोई नहीं समझता। मैं तंग आ गया हूँ, अब मैं क्लाउन नहीं बनूंगा, कभी नहीं। या उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो बहुत बुरे हैं, उन्हें इस बात का पछतावा होगा। चलो देखते हैं अब कौन हंसता है। मैं आ रहा हूँ, तुम छुप नहीं सकते। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्तों? लड़कियों, ब्रेक का समय है, हमें बात करनी होगी। रुको डैनिस, अभी बात खत्म नहीं हुई, और चिल्लाओ मत दोस्त, अब तुम नहीं हंसोगे, है ना? ठीक है, अभी के लिए तुम आराम करो, और मुझे बहुत बड़ी शरारत करनी है। हार्डी स्कूल में भी अच्छा नहीं कर रही। मैं इन मतलबी लड़कियों से परेशान आ गई हूँ, हमेशा उसके स्टाइल का मजाक बनाती है। बढ़िया लुक, तुम चेंज क्यों नहीं कर लेती? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह नहीं हार्डी, ये हमारा हॉलवे है। जो भी हो, हार्डी केमिस्ट्री रूम में जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगी, और क्लास शुरू होने वाली है। ओह, ये फिर शुरू हो गए, कितनी बेकार कंपनी है। हार्डी, तुम स्टाइलिस्ट के पास क्यों नहीं चली जाती? समय आ चुका है, और कितनी बार, मैं तंग आ गई हूँ। अब एक्शन का समय है, और केमिस्ट्री कभी फेल नहीं होती। हार्डी उन्हें मजा चखाने वाली है, उसे केमिस्ट्री में ऐसे ही ए नहीं मिला है। इसे मिक्स करो, हिलाओ, और बस हो गया। तो लड़कियों, क्या तुम मुझे स्टाइलिस्ट के पास जाने की सलाह दे रही थी? नहीं हार्डी, तुम बढ़िया लग रही हो, अब मेरे पास दोबारा कभी मत आना। उप्स, उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, फायरवर्क्स का रिजल्ट बहुत खराब निकला। ओह, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे फेस को क्या हुआ, मेरे बालों को क्या हुआ? पर ये काफी अच्छा लग रहा है, अब बुली से निपटने का समय है। बैंक में कुछ बुरा हो रहा है, यहाँ चोरी होने वाली है। हार्डी को अब किसी से डर नहीं लगता। हेलो, ये बहुत अच्छी जगह है, हाथ ऊपर और हिलना मत, पर तुम्हें बांधना होगा। क्या तुम ये खुद कर सकते हो? चिंता मत करो, मैं जल्दी चली जाऊंगी, मैं बस सारे पैसे ले लूं। पर हार्डी का एक दुश्मन है, इस बैंक को कोई विलन लूटने वाला है। चलो भी, बेवकूफी मत करो, रुको। हेलो, मैं प्रांकर हूँ, और मैं हार्डी हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया टॉय है, क्या मैं देख सकती हूँ? ओह नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, पुलिस आ रही है, हमें भागना होगा। ये रोमांटिक रॉबरी एक शादी में आकर खत्म हुई। फादर, हम शुरू कर सकते हैं, भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ प्रांकर, और मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ हार्डी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे दोस्त? हमारी शादी करवाओ, अब मैं आपको हस्बैंड और वाइफ करार करता हूँ। हार्डी, ये तुम्हारे लिए, मेरी क्वीन बन जाओ। डैडी, आपको ये पसंद आया? बहुत बुरा, आपने क्या कहा डैडी? कोई बात नहीं, डैडी को ये पसंद आया, है ना डैडी? बिल्कुल। और अब हार्डी रिंग पहनाएगी। मॉम, देखना कैसी है, पूरी नहीं आ रही। हे नर्ड, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। हमसे दूर रहो। कोई बात नहीं डैडी, घबराओ मत। और अब न्यूलीवेड्स किस करने वाले हैं।
उप्स, रिंग टूट गई, शादी खराब हो गई, पर प्रैंकर इसे अभी ठीक कर देगा। बच गए। हार्डी और प्रैंकर अब पेरेंट्स हैं। ये सुपर विलन्स के लिए चैलेंज है। हनी देखो वो कितनी सुंदर है। ये सब हमारी बदौलत है। मुझे भूख लगी है प्रैंकर, क्यों ना हम बहुत बड़ी चोरी करें? पर यहाँ एक और विलन आ गया। ये कपल अपने बच्चे के लिए कितनी भी कीमत देगा। बस रोना मत, ठीक है? यहाँ आओ। हे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और पेरेंट्स वहाँ आ चुके हैं। डिनर टेस्टी था। प्रैंकर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? बेबी गर्ल, तुम कैसी हो? तुम बहुत सुंदर हो, चलो चलते हैं। पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटी जेसिका सबसे बड़ी सुपर विलन है। अब विलन पीछे रह गए हैं। प्रैंकर और हार्डी अपनी लाइफ थोड़ी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जेसिका अपनी डेट के लिए तैयार हो रही है। हे, मैं रात में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? रुको, वो ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? हमें बात करनी होगी जेसिका। जरा अपने कपड़े देखो, क्या ये अच्छी लड़की की इमेज है? अपने रूम में जाओ अभी। अब मॉम और डैड अपनी बेटी के स्टाइल पर काम करेंगे। उसका वार्डरोब इतना अच्छा नहीं है। मॉम, डैड, क्या ये करना जरूरी है? प्रैंकर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा यकीन करो हनी, पता चलता है कि प्रैंकर एक स्टाइलिस्ट भी है। जेसिका पहचान में नहीं आएगी। चलो यहाँ से काटे और यहाँ से रिप करें। बुरा नहीं है, पर एक फाइनल टच बाकी है। चिंता मत करो जेसिका, मॉम जानती है कि वो क्या कर रही है। तुम अच्छी लग रही हो, उसका दिल तोड़ दो। वो बैट मत भूलना हनी। उसका प्रिंस आ गया। अंदर आओ, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। बिल्कुल नहीं, ये क्या है? बैड बॉय का फैन? ये सबसे बुरा क्राइम है। तुम्हें इस लड़के को भूलना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जेसिका? बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता भी है आपने क्या किया है, इसे वापस दो। ठीक है मॉम, माफ करना बैड बॉय, सजा सजा होती है। बेशक वो रिटायर हो गए, पर अभी भी वो विलेंस हैं। उम्मीद है हम कुछ भूल नहीं रहे। चोरी एक सीरियस बिजनेस है। हार्डी, देखो मुझे एटिक में क्या मिला। याद है हम बुरे कब थे? बढ़िया आइडिया पुडिंग, हमें चलना चाहिए। बैंक अपने आप चोरी नहीं करेगा, और रास्ता बहुत लंबा है। मेरे लिए रुको प्रैंकर, आ जाओ हार्डी। ये ही बुरे विलन्स अपनी मंजिल पर पहुंच गए, पर एक दिक्कत है, एलिवेटर चल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, बुरे विलन सीढ़ियों से नहीं जाते। हमें कोई और टारगेट ढूंढना होगा। हार्डी, शानदार है, ये बढ़िया था। क्यों ना कुछ खाए? चलो आइसक्रीम खाए दोस्त, हम मजाक नहीं कर रहे। और चलो यहाँ से निकलो। काम हो गया, हार्डी और प्रैंकर काम में वापस आ गए हैं। उप्स, ये गिर गई। ओ नहीं, मेरी हड्डियाँ। मुझे थोड़ा दो प्रैंकर। हार्डी, ये सही नहीं है। खैर रुको तुम। हार्डी और प्रैंकर ने खुशी खुशी अपनी विलन वाली जिंदगी बिताई, और बैड बॉय की अब दुश्मन नहीं है। आखिरकार मैं जिंदा रह गया। ना 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 ना, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। ओह बैड बॉय, आराम से। सुपर हीरो का दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह नहीं, कि हम अब हमेशा के लिए पड़ोसी हैं।